उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के साथ बलात्कार हो गया। एक नामी कोचिंग सेंटर में पढ़ने आई छात्रा के साथ दो शिक्षकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने उसे 6 महीने तक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता फतेहपुर जिले की रहने वाली है। वो कानपुर के कल्याणपुर के एक प्रमुख कोचिंग सेंटर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। वो छात्रावास में रह रही थी। दिसंबर 2022 में उसे बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर साहिल सिद्दीकी ने मकड़ी खेड़ा इलाके में अपने दोस्त के फ्लैट पर नए साल की पार्टी के लिए बुलाया था, जहां उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया गया। फिर फ्लैट पर दोनों ने छात्रा के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, बलात्कार का वीडियो भी बनाया, जिसके जरिए ब्लैकमेल कर वो छात्रा से बार बार रेप करते रहे। कहीं जाने पर या किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे।